said Neha Verma from Iris Cracker. So guys, do you think that is it essential to understand each and every word in IELTS reading? Or is it worth to spend your time on each and every word? So don't worry guys, I have the top 10 tips to answer your queries. So let's get started. So the tip number one is check whether your answer really depends on that word. अगर डिपेंडेंट नहीं है, अगर आपका आंसर या क्वेश्चन उस वर्ड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो इट्स बेटर टू इग्नोर दैट वर्ड. इग्नोर करो. अगर इग्नोर नहीं कर सकते या उस वर्ड उस पर्टिकुलर वोकैब के ऊपर आपका आंसर डिपेंडेंट है तो वी हैव द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर टू, कंटेक्स्ट क्लू और जिस्ट. अब इसमें क्या है, हम समरी निकालते हैं, हम उन वर्ड्स को इग्नोर करेंगे और इन सिंपल वर्ड्स आई विल टेक आउट द जिस्ट और द समरी ऑफ दैट पैराग्राफ. अब ये एग्जाम्पल देखो, फ्यू रिकॉर्ड्स हैव सो कैप्चर्ड द पब्लिक अटेंशन एंड दर्स हैव सेट एंड्योरिंग यार्ड स्टिक फॉर अदर प्लेयर्स. पब्लिक फैसिनेशन पार्टी रिफ्लेक्टेड द सीमिंग सिमेट्री ऑफ द इवेंट फोर लैप्स इन फोर मिनट्स. अब देखो कुछ समझ आया, इसमें इतने सारे वर्ड्स थे जो लाइक आई कैन से वो हाई वोकैब ही है. देखो जैसे एंड्योरिंग यार्ड स्टिक, देन वी हैव फैसिनेशन, देन सीमिंग सिमेट्री. तो समझ आया कुछ नहीं ना समझ आया. अब इनको इग्नोर करते हुए मैं कंटेक्स्ट जो जिस्ट है उसका उसकी समरी निकालूंगी. देखो वो भी इन थ्री, लाइक रिकॉर्ड पब्लिक अटेंशन एंड अचीवमेंट. अब देखो इतना मुझे पता लगा कि एक रिकॉर्ड है बेसिकली, और उससे क्या हुआ कि पब्लिक की अटेंशन मिली उसको उस रिकॉर्ड की वजह से, एंड अल्टीमेटली कोई अचीवमेंट थी, और अचीवमेंट क्या थी, दैट इज फोर लैप्स इन फोर मिनट्स. तो अब देखो मैंने इसमें इतने सारे वोकैब, इतने डिफिकल्ट वोकैबलरी थी तो उसको मैंने इग्नोर किया. आई यू ट्राइंग टू लाइक अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो बेसिकली पूरे जिस इसका मैंने पूरा जिस निकाला, बेसिकली एक समरी निकाली इग्नोरिंग द वर्ड्स. जैसे मैंने पहले कहा था टिप नंबर वन में कि इग्नोर, अगर आप इग्नोर कर सकते हो उन वर्ड्स को तो इट्स बेटर. जैसे मैंने किया, इसका सिर्फ मैंने जिस निकाला है बेसिकली. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, टिप नंबर थ्री, दैट इज कैपिटल लेटर्स प्लस इटैलिक. अब एग्जाम्पल दूंगी, पोंसे डी ट्रैवल द होल वर्ल्ड. अब आप देखो पोंसे डी, अब यहाँ से हम क्या लग रहा पता कि ये वर्ड है या कोई पर्टिकुलर वोकैबुलरी वर्ड है, क्या है, दिस इज द कैपिटल लेटर्स. अब कैप जो बेसिकली वर्ड कैपिटल लेटर्स में होता है दैट इज वॉट, दैट इज अ प्रॉपर नाउन. मीन्स किसी चीज़ का नेम होगा, किसी पर्सन का नेम होगा, तो इट्स क्लियर कि यहाँ पे किसी पर्सन की बात की है. The like the Poncetti person hai who traveled the whole world. Now the next example is, by World War II the term sonar was adopted in United Projectors. अब आप देखो जो term है sonar, अगर तो इसे italics, जो basically जो italics में word होते हैं आपके reading में, तो it's better to ignore them. इसका मतलब यही है कि जो आपके letters, जो आपके letters या words italic में होते हैं आप उनको ignore कर सकते हो, but अगर तो वो एसेंशियल होंगे तो ऑटोमेटिकली उसको आगे पैराग्राफ में दिया होगा कि उसका उस टर्म का मीनिंग क्या है, वो दिया होगा ऑटोमेटिकली आगे. अगर नहीं होगा तो लाइक इट इज़ बेटर टू इग्नोर दैट वर्ड. नाउ द टिप नंबर थ्री इज, सॉरी फोर, वर्ड प्लस डेफिनेशन. अब एग्जाम्पल्स हम क्लियर करेंगे. एग्जाम्पल इज मेकोगेको रोबोट बिल्ड बाय आई रोबोट ऑफ मैसाचुसेट्स. अब आप देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ तक बात करती हूँ मेकोगेको, तो यहाँ तक मुझे क्लियर हुआ कि ये क्या है, नहीं ये सिंपल वर्ड है इतना मुझे लग रहा है पता. अब आप उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है रोबोट बिल्ड बाय आई रोबोट ऑफ मैसाचुसेट्स. अब आप यहाँ से क्लियर हो रहा है दैट दिस इज द वर्ड एंड दिस इज द डेफिनेशन. ये डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द वर्ड, और डेफिनेशन क्या है कि वो रोबोट है. तो यहाँ से मुझे क्लियर हो गया कि जो ये वर्ड है मेकोगेको, दिस इज अ रोबोट. क्लियर? देन वी हैव टिप नंबर फाइव, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस. अब इसका मतलब क्या है, हम इसको रूट वर्ड भी कह सकते हैं, हम रूट से भी पता लगा सकते हैं उस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है. एग्जाम्पल जैसे है हाइपर एक्टिव, हाइपर प्लस एक्टिव. अब इसको देखो आप, जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स इज वॉट एनी वर्ड विच इज, उसको हम एक वर्ड में स्टार्टिंग में ऐड करते हैं, तो ये क्या हुआ, दैट इज प्रीफिक्स. अब हाइपर एक्टिव का मीनिंग चाहे ना पता हो, बट उसका रूट या उसको हम क्या सकते हैं, उसके प्रीफिक्स से हम आइडिया लगा सकते हैं दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द होल वर्ड. सो हाइपर एक्टिव इज बेसिकली वर्ड जो बहुत ज़्यादा
एक्टिव हो बेसिकली. नेक्स्ट इज, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ सफिक्स होमलेस. अब आप देखो होमलेस, अब होम एक वर्ड है, उसके पीछे उसने सफिक्स लगाया दैट इज लेस. अब यहां से मैं आइडिया लगा सकती हूँ होमलेस मीन्स जिसके पास घर नहीं है. तो दिस इज द लाइक एक्चुअल द स्ट्रैटेजी टू बी अप्लाइड व्हेन यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स बाय दैट इज प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस. वहां से हमें हिंट मिल सकता है, थोड़ा सा चाहे मिले या क्लू मिले बेसिकली, तो वी कैन कम टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, या हम रूट से पता लगा सकते हैं. जैसे हाइपर है रूट अपने आप में, तो हाइपर इज वर्ड बहुत ज्यादा ओवर. ओके नाउ नेक्स्ट मूव, लाइक नेक्स्ट स्टेप वी हैव दैट इज स्टेप नंबर 6 दैट इज कंजंक्शंस. अब एग्जाम्पल दूंगी. एग्जाम्पल इज ऑन रिसीविंग द गिफ्ट ही फेल्ट डिलाइटेड बट एट द सेम टाइम अपेयर्ड बेविल्डर्ड टू. अब देखो यहां तक मुझे समझ आया कि जब उसको गिफ्ट मिला दैट जो पर्सन है दैट ही फेल्ट डिलाइटेड, वो खुश हो गया. अब यहाँ पे कंजंक्शन लगी है बट. अब देखो उसने बताया कि दैट पर्सन वॉज बिविल्डर टू. तो सपोज करो आपको बिविल्डर का मीनिंग नहीं पता है, लाइक ऑब्वियसली कई स्टूडेंट्स होते हैं जनरली जो रीडिंग वो कैब होती है इट इज टफ बेसिक. तो हम यही टिप्स हैं जिसके हम थ्रू थोड़ा क्लू या जिस्ट या फिर हम एक आइडिया ले सकते हैं, एक हिंट ले सकते हैं कंजंक्शंस के थ्रू. अब आप देखो बट के बाद उसने कहा है अपेयर्ड बिविल्डर टू, तो इतना मैं आइडिया लगा सकती हूँ कि पहले वो खुश था बट उसी टाइम हमें क्या पता लगा कि दैट पर्सन वॉज बिविल्डर टू. तो बिविल्डर का मीनिंग नहीं पता है इट्स ओके, बट हम बट. अब यहाँ पे आप देखो जो कंजंक्शन है दैट इज ही वेल डिलाइटेड बट. अब बट क्या है पर, तो बट हम तब लगाते हैं बेसिकली सेंटेंस में कि ऑपोजिट या कंट्रास्ट शो करने के लिए. तो पहले वो डिलाइटेड था बाद में बिविल्डर हो गया, तो मीन्स इससे हम गैस लगा सकते हैं या आइडिया ले सकते हैं कि उसका डिलाइटेड का कुछ ऑपोजिट होगा, इजंट इट. तो डिलाइटेड है तो उसका उल्टा बिविल्डर्ड होगा यहाँ पे, क्योंकि बट है वो कंट्रास्ट शो कर रहा है यहाँ पे. और बिविल्डर का वैसे एक्चुअल मीनिंग मैं बता दूँ दैट इज सरप्राइज्ड और यू कैन से शॉक्ड. ओके तो हम यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि वो पहले खुश था बाद में वो उसका ऑपोजिट कर लो आप, या लाइक दैट पर्सन वॉज शॉक्ड. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज स्टेप नंबर 7. सो चेक वेदर द वर्ड इज अ नाउन एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब. सो दिस स्टेप इज बेसिकली यूजफुल व्हेन वी हैव फिलअप्स. फिलअप्स में हमें क्लियर नहीं होता है कि जो फिलअप है उसमें वर्ड क्या आएगा या किस टाइप का वर्ड होगा. सो वी कैन मेक एन आइडिया थ्रू दैट जो फिलअप है फिलअप में नाउन चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, वर्ब और एडवर्ब इज रिक्वायर्ड. लेट्स हैव द एग्जाम्पल. द प्रोडक्शन इंक्लाइंड इन 2001, देयर वॉज एन इंक्लाइन इन द प्रोडक्शन. अब आप देखो दैट इन द फर्स्ट सेंटेंस दैट वी हैव प्रोडक्शन, अब इंक्लाइन हुआ. नाउ दिस इज वॉट दिस इज द वर्ब. एंड सेकेंड देयर वॉज एन इंक्लाइन इन द प्रोडक्शन, यहाँ पे क्या है दैट इज नाउन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, टिप नंबर 8, ऑपोजिट्स. एग्जाम्पल प्रमोशन डिमोशन. सो एवरी वन ऑफ अस इज अवेयर अबाउट द वर्ड दैट इज प्रमोशन. अब कई बार होता है डिमोशन, अब डिमोशन कई बार हमें नहीं क्लियर होगा, प्रमोशन का सबका होता है. तो हम एक रूट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था टिप में, वी कैन मेक अ गेस थ्रू दी रूट. अब डी ई बेसिकली ये नेगेटिव में हम नेगेटिव कंटेक्स्ट में यूज होता है दैट इज डी ई. प्रमोशन इज बेसिकली मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल, एंड वेयर एज डिमोशन मीन्स दैट इज द पर्सन जो है उसको एक लेवल नीचे दे दिया गया है. तो हम उनके रूट से बेसिकली आइडिया लगा सकते हैं या उनके ऑपोजिट से आइडिया लगा सकते हैं. प्रमोशन है तो वो, एंड देन द ऑपोजिट ऑफ दैट वर्ड इज डिमोशन. टिप नंबर 9, चेक द ग्लॉसरी इफ गिवन. लेट्स हैव द एग्जाम्पल. इन अबाउट 3000 BC, लोअर इजिप्ट वॉज यूनाइटेड अंडर द फर्स्ट फेरो. नाउ सी दैट जहाँ पे वर्ड फेरो है वहाँ पे आप देख सकते हो स्टार मार्क्ड है. तो स्टार मार्क्ड है मीन्स वहाँ पे दैट सम लाइक उसके रिगार्डिंग ग्लॉसरी गिवन होगी इन द रीडिंग. अब देखो आप एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड यू कैन सी फेरो का मीनिंग गिवन है दैट इज किंग. सो ग्लॉसरी गिवन है तो हम वहाँ से ग्लॉसरी चेक कर सकते हैं दैट वॉट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड थ्रू द स्टार मार्क. यहाँ आप कई बार देखते हो नंबर्स भी कई बार साथ में मार्क किए होते हैं. नाउ मूविंग टू द लास्ट स्टेप. अब कई बार होता है, नाउ मूविंग टू द लास्ट स्टेप दैट इज स्टेप नंबर 10,
really interested in vocabulary, guys. So now, guys, I'm going to give you some tips that will really improve your vocabulary. First is, guess the meaning of words by reading novels or any book you like. Guess the meaning मैं क्यों कह रही हूँ? Because in reading we have n number of words, you know that. अगर हर एक वर्ड का मैं मीनिंग फाइंड करना स्टार्ट कर दूंगी तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली गाइज हमारी रीडिंग होगी कंप्लीट होगी टाइम पर. तो वॉट वी कैन डू, वी कैन गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड. जैसे हम इसको प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, दैट इज बाई रीडिंग नॉवल्स और एनी बुक यू लाइक. द नेक्स्ट इज लर्न देम बाई अप्लाइंग इन योर डेली रूटीन. अब गेस तो कर लिया, ठीक है, देन यू कैन गो फॉर द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स. अब उनको याद कैसे करना है, वी कैन रिमेंबर दोज वर्ड्स बाय अप्लाइंग देम इन आर डेली रूटीन. एंड द लास्ट स्टेप इज ट्राई टू एसोसिएट द वर्ड्स विद सम इंसिडेंट्स सो दैट यू आर एबल टू रिमेंबर देम. दिस इज द अनदर टेक्निक टू रिमेंबर द वर्ड्स. हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एसोसिएट, वी कैन लिंक दोज वर्ड विद सम इंसिडेंट्स. ऐसा कुछ इंसिडेंट्स या एग्जाम्पल्स हम माइंड में रख सकते हैं सो दैट not like we don't forget those words. So the whole process lies to remember the vocabulary, that is learn, apply and revise. So these are the top 10 tips to crack the reading vocabulary. So like, share and comment your feedback and don't forget to subscribe my channel, that is I'll Strive. Till then, goodbye.